अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। इट्स अनदर ब्यूटीफुल समर डे आउटसाइड, सो वी आर गोना स्टार्ट आवर डे ऑफ विद अ नाइस शॉर्ट वॉक एट द स्क्वायर। अभी हम लोग फिर से यहाँ पे सुबह को आ गए हैं और हम लोग जो हैं यहाँ पे, आप देखिए सुबह सुबह आने का मैंने क्या बताया, फ़ायदा क्या है, देयर इज़ नो वन हियर, राइट? तो बिल्कुल सुकून का टाइम है एंड दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू गेट योर मॉर्निंग वॉक इन एंड गेट योर बेसिकली यू नो वो जो मॉर्निंग फ्रेश एयर है, जस्ट टेक अ वॉक। सो आई लाइक टू डू दैट एवरी मॉर्निंग, जस्ट इट जस्ट ब्रिंग्स मी पीस एंड यू नो काम एंड ऑफर्स ट्रैंक्विलिटी। बस सारी जो ग्रामर है ना, मैं यहीं पे यूज़ कर रहा हूँ अपनी जो पूरी ज़िंदगी में लर्न किया है। अच्छा, अभी हम लोग अपनी मॉर्निंग वॉक के जो है एंड पे पहुँच गए हैं और बस हम लोग अब स्क्वायर की तरफ से निकल के घर की तरफ वॉक करके जा रहे हैं। सो अगेन रियली रिफ्रेशिंग मॉर्निंग वॉक, नाइस ब्रीज, लिमिटेड समर होती है, इन्जॉय करें, बाहर गुजारें अपना टाइम, घर पे बैठने का टाइम पूरा साल मिलने वाला है विंटर में। ठीक है, लेट्स हेड बैक होम एंड देन आई विल शो यू जो नाश्ते की हमारी प्रेपरेशन है। दूर डाल दिया और उसमें साइंस ऑफ वाइफ आर कमिंग। और यहाँ पे नाश्ते का भी इंतजाम हो रहा है, ऑलिव ऑयल डाला, यू नो बिकॉज़ वी डू ऑलिव ऑयल, ओके, नॉट कैनोला और वेजिटेबल ऑयल। आई चलो भाई, चाय आ गई, साइंस ऑफ लाइफ। अब इसको हम थोड़ा सा टेम करते हैं। देखिए भाई, टिप ये है कि आपने ये खड़े नहीं हो जाना पठान के होटल की तरह 10 घंटे तक बस यूं यूं ही करे जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। आपने बस 30 सेकेंड तक इसको करना है, जस्ट टू सॉर्ट ऑफ लाइक यू नो मिक्स एवरीथिंग अप एंड देन इसको आप लगा दें एक्सेलरेटेड दम पे। जो हमारे कैनेडियन इलेक्ट्रिक चूल्हे वाले हैं उनके लिए मींस एक्सेलरेटेड दम मींस मैक्स और मिन के बिल्कुल बीच में करके लगा दें इसको। मैं दिखाता हूँ आपको, एक्सेलरेटेड दम पे लगाएंगे ना तो थोड़ा सा ये आपको स्केयर देगा, समझ रहे हैं, ऊपर आ गए, डरिएगा नहीं। देखें जो फियरलेस लोग होते हैं ना वो एज पे रहते हैं, ऐसे देख रहे हैं आप, बिल्कुल एज पे आ रहे हैं, पर क्योंकि एक्सेलरेटेड दम में द हीट इज रिड्यूसिंग सो इज गोना स्टार्ट टू सिमर डाउन। 10 मिनट ऐसे ही छोड़ देना है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कल के व्लॉग में बताया था, ये निचोड़ जो है ना, ये साइन होता है कि इसका निचोड़ ऊपर आ रहा है एंड इन जस्ट 1 मिनट ये क्रम्बल होके नीचे चला जाएगा। दैट्स द पॉइंट वेयर यू क्लोज इट, गेट इट? चल, होना शुरू हो गया तो इसको अब हम कर देते हैं बंद। नाश्ता है रेडी, हमने वो जो सनसेट ग्रिल वाला ऑमलेट है ना उसकी हमने इंस्पिरेशन ली है, फिर आई कैंट बिलीव इट्स नॉट बटर है, मुझे भी यकीन नहीं आ रहा। मिचल स्ट्रॉबेरी जेली और पक, और यहाँ पे पराठा और ब्रेड एक आपको नज़र आ रहा है। चले करते हैं नाश्ता, और हाँ चाय, चाय को कैसे भूल सकते हैं। हम लोग जो है ना अपनी फाइलिंग कैबिनेट्स को ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे और ये देखें इतनी सारी फाइलिंग कैबिनेट मैंने निकाली, और आप सोचो इसमें से मैंने जो है 15 ईयर्स का जब से कैनेडा आया उस वक्त का पूरा जो है मवाद निकाला है मैंने, और मैं आपको दिखाता हूँ इसका सिर्फ जो कचरा जनरेट हुआ है वो क्या है। देखिए आप, इसमें से 1 थैली फुल, 2 थैली फुल, तीसरी थैली भी ऑलमोस्ट फुल, 3 थैलियों का कचरा निकला इसमें से। ऐसे ऐसे ज़बरदस्त किस्म के फ्लैश बैक्स आए, पुरानी यूनिवर्सिटी की ट्रांसक्रिप्ट, पुराने पता नहीं टैक्स रिटर्न, जिसमें माशाल्लाह जो है सारा उस वक्त स्टूडेंट वाला हाल जो था वो सारा बयान होता था। तो यह इट्स वॉज अ गुड एक्सरसाइज, लेकिन 2 घंटे मुझे पूरे लगे करने में वो सारा निकालने में और फिर उसको करने में। तो अगर आपके पास भी फाइलिंग कैबिनेट से पुरानी है, थोड़ा सा टाइम है, तो बैठ के इसको डेफिनेटली ऑर्गेनाइज़ करें, बिकॉज the kachra that's going to come out is going to allow you to put new things into those filing cabinets. Organizing tips #. Home organizing ki sari activities ho chuki hai aur ab hum jayenge bahar, bahar ja ke hum karenge 2-3 kaam, wo bhi aapko dikhayenge. Roz bahar jana zaruri hai, roz bahar jaye, summer ka time, koi kaam ho, kuch bhi ho, bas bahar jaye. To hum bhi ab bahar ja rahe hain kuch kaam karne, and let's go outside
लेकिन पहले चेक करते हैं लेक शेक का हाल क्या है भाई, जरा देखें भाई सब ठीक सही सलामत हैं अभी। इधर तो मामला सही सलामत लग रहा है, लेक ओंटारियो भी ठीक ठाक है, कोई मतलब मसला वसला नज़र नहीं आ रहा। और इस तरफ आके देखते भी क्या हो रहा है सेलिब्रेशन स्केयर में। अच्छा भाई यहाँ भी ठीक है मामला सारा, बस इंजॉय कर रहे हैं, कुछ बच्चे खेल कूद कर रहे हैं थोड़े बहुत, यहाँ कम ही लोग हैं। इट इज़ अ हॉट डे, इट्स अ हॉट डे, लेट्स गो। हम आ गए कैनेडियन टायर इधर, और हम लोग जो हैं देखने आए हैं यू गेस्ट इट टायर। तो हम लोग यहाँ पे टायर देखने हैं, ऑल सीजन टायर लेने। असल में बात ये कि मैं विंटर टायर्स पे गाड़ी चला रहा था जब से, तो मुझे जो है ना ऑल सीजन टायर लेने, और उसके चक्कर में जो है मैं इधर आया हूँ। तो देखते हैं भी ऑल सीजन टायर कैसे मिलते हैं हमारी फरारी के लिए। अभी हमें टायर नहीं मिले, और बात यह है कि भाई कनाडा में एक मसला, अब मुझे नहीं पता दूसरे मुल्कों में मसला है, अगर कहे जो भी चीज़ लेने जाओ कनाडा में, चाहे एप्पल स्टोर पे, चाहे कुछ भी जो चीज़ मुझे चाहिए होती है ना, वो कहते हैं अभी स्टॉक में नहीं, अभी स्टॉक में नहीं। तो इफ़ यू गाइस हैव नथिंग देन शट डाउन योर स्टॉक्स, राइट। एक सेट ऑफ टायर लेके बैठे हैं ऑल सीजन कैनेडियन टायर, इट हैज़ लिटरली हैज़ टायर द वर्ड टायर इन देयर नेम, and they have only one set of OCN tires for my car. Disappointed. तो आ गए टायर देखने कैनेडियन टायर पे, तो टायर नहीं मिला हमें। अब हम लोग जो है कॉस्को में आके देख रहे हैं, कॉस्को की ऑटो शॉप इधर है, अंदर जाके टायर्स देखते हैं वहाँ पे, देखते हैं कि अगर वो हमें अच्छी डील देते हैं और इंस्टॉल करते हैं हमारे लिए। सो लेट्स गो। ये टायर सेंटर, सो कॉस्को हैज अ होल टायर सेंटर इनसाइड। नाइस, देखते हैं भाई कॉस्को पे जो है ना, आप देखें टायर्स ही टायर्स है अंदर तक, ठीक है ना। अब कैनेडियन टायर पे टायर नहीं है, लेकिन इनके पास टायर है, तो अब आप देख लें अमेरिकन्स वर्सेस कैनेडियंस, यू नो। ये देखें इनकी पैकेजेस भी बड़े अच्छे हैं, टायर इंस्टॉलेशन और हर चीज़ के, सो लुक्स के लेट्स सी हाउ गोस। आप देखें हमें जो है ना हाई माइलेज ऑल सीजन वाला चक्कर करना है हमें, क्योंकि मुझे ऑल सीजन चाहिए ताकि मुझे बार बार चेंज ना करना पड़े। अब मेरी विंटर की ड्राइविंग इतनी ज़्यादा है नहीं, तो ऑल सीजन बट लाइक हाई लाइक माइलेज आई। अभी तो कॉस्को वाले कह रहे हैं कि बेसिकली आपके टायर्स जो हैं विंटर टायर ठीक है, आप चलाएं उसमें, एंड द थिंग इज़ के अभी इस वक्त जो भी गाड़ी है ना वो बड़ी एंशंट किस्म की है थोड़ी, तो इसलिए उसके जो टायर्स हैं वो बहुत लिमिटेड, लाइक देयर इज़ वेरी लिमिटेड ऑप्शंस इन इट। तो इसलिए जो है उसने कहा है कि अभी तुम सेप्टेम्बर तक चलाओ, फिर ये उसने मुझे मॉडल रिकमेंड किया है ब्रिजस्टोन ऑल वेदर समथिंग, तो उसने कहा सेप्टेम्बर में तक चलाओ उसको खींचो, और फिर उसके बाद जो है तुम हाफ परसेंट 50% ऑफ पे ले लो टायर। तो हम यही करेंगे, सस्ता काम इज द बेस्ट काम। कॉस्को वाला बंदा बहुत अच्छा था, हमने उससे बड़ी तफसीली बात की, और उसने हमें बताया, फरहाद नाम का बंदा था, उसने बताया कि भाई हमारे पास तुम्हारे लिए बहुत अच्छे टायर हैं ब्रिजस्टोन ऑल ईयर, ये सारा वो जो मैंने बताया था। पर बात ये हुई कि उसने कहा कि देखो तुम्हारे पास विंटर टायर ऑलरेडी हैं, तुम उसको चलाओ, अब वो समर टायर बन गया, उसका ट्रेड बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, सेप्टेम्बर में हमारे ये सेल लगेगी। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो ठीक है इन टायर्स का ना PSI चेक करवा लेते, तो PSI चेक करवा लिया, सही है प्रेशर वगैरह ये वो, ठीक है सेप्टेम्बर तक चलते हैं और अपनी सेविंग इन्जॉय करते हैं। $800 की बचाते हैं, $800 सेव्ड। हम लोग यहाँ पे शू कंपनी में घुस गए, और यहाँ पे हम जो हैं जूते देखने आए हैं, चप्पलें सैंडल देखने आए हैं। यहाँ पे फ़ायदा है कि यहाँ पे हर ब्रांड की चीज़ मिलती है, हर ब्रांड की। आई एम अमेज्ड, शॉपिंग करते हैं। तो बड़े अच्छे जी जूते हैं भाई, पूमा, ठीक है पूरा पूमा का कलेक्शन है, राइट। एंड देन यू कम टू एडिडास, एडिडास का बड़ा अच्छा कलेक्शन है यहाँ पे, बहुत अच्छा कलेक्शन है एक्चुअली। वाओ, एक्चुअली दिस इज़ अ ग्रेट कलेक्शन। अच्छा मैंने जो है ना ये वाले जूते उठाए
मैंने ये वाली जूते था, इनका नाम है कैप्टर 2.0, राइट, ये मैंने पहने हुए. दे लुक रियली कम्फर्टेबल, लाइक दे फील रियली कम्फर्टेबल. सो लेट्स सी कि ये लुक दिखने में कैसे हैं. वाओ, दीज शूज लुक अमेजिंग. ए ये तो बहुत अच्छे नहीं लग रहे जूते, लाइक दे लुक ग्रेट, राइट. लाइक ये देखें, लाइक द स्टाइल ऑन दीज शूज, एंड दे हैव द एडिडास लोगो एट द बैक. I think I'm gonna go for it. ये जूते जो है ना, ये वाले, ये सिर्फ 119.99 के हैं. बेहतरीन जूते हैं यार ये. Like wow, what a steal. No, we have. It's the first time. हमने कर ली अपनी शूज शॉपिंग द शू कंपनी से, और हम आ गए हैं यहाँ पे ब्रिकस्टोन म्यूज वाले एरिया. तो हम लोग यहाँ पे देखने हैं डोसा का चक्कर. तो यहाँ पे कोई डोसा बॉयज करके देखते हैं भी क्या सीन है. हम लोग आ गए मिस्टर जैगरोज फ्राइज खाने. हमने कहा भी हमने इतने पैसे, हमने इतनी माशाल्लाह स्पेंडिंग की है शू कंपनी, और नहीं एक्चुअली टायर पर हमने स्पेंड नहीं किया. अरे $800 की सेविंग हुई है. अरे भाई अच्छा याद दिलाया आपने. चले भी फ्राइज का वेट करते हैं भाई. जैगरोज, मिस्टर जैगरोज के फ्राइज आ गए. इनके फ्राइज वैसे बेस्ट होते हैं. क्या देखो ना, इसकी जो क्रिस्पीनेस है ना, आप देखें इसकी, ये बड़ी अच्छी है. तो गार्लिक सॉस के साथ करके हम खाएंगे. लेट्स गो. अभी मिस्टर जैगरोज के फ्राइज ट्राई करके बताता हूँ मैं आपको कैसे हैं. रियली रियली टेस्टी एंड क्रिस्पी. और इनकी गार्लिक सॉस जो है उसके साथ तो बहुत ज़बरदस्त है. डेफिनेटली जस्ट फ्राइज मैं कभी भी नहीं खाता, लेकिन ये वो वाइट फ्राइज जो मैं एक बाइट सेल्फ खाता, बाय देमसेल्फ खाता. सो हम लोग मिस्टर जैगरोज वगैरह खा के निकल गए. तो भाई हमारे आज क्या क्या हुआ, हम लोग आज जो है पहले टायर देखने निकले. हम लोग गए कैनेडियन टायर, फिर उसके बाद हम गए कॉस्को, और फिर उसके हमने टायर दे लिया. फिर हम चले गए शू कंपनी, शू कंपनी पे अच्छे शूज़ मिल गए, वहाँ से शूज़ लिए. फिर हम लोग मिस्टर जैगरोज आए. अब हम लोग घर चले जाएंगे इंशाल्लाह. तो आज की ये इटिनरेरी थी. अब घर आके आपको दिखाते हैं चाय का इंतज़ाम. डोसा बॉयज़ के लिए पहले निकले थे इस चक्कर में, इसलिए हमने सामने पार किया. और डोसा बॉयज़ जो है वो है कमिंग सून. चलो भी जब आएगा तो फिर देखते हैं डोसा बॉयज़ का क्या सीन है. घर के पास ही है. जाके बहुत सारे काम करते हैं और थोड़ी सी थकावट आ जाती है ना, सबसे बड़ा जो बेसिकली इनाम होता है ना आपका, वो होती है चाय. और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो सुबह को जो मैंने चाय बनाई ना, उसका जो रेजिडुअल मिला के जो है आपने फिर से उसी में बनानी है. लोग क्या करते हैं चाय बना के उसके बाद ये अल्लाह मी वॉश से देख ची. नहीं नहीं भाई, सुबह को चाय बनी है बिल्कुल फ्रेश 3-4 घंटे पहले, उसी में आप आके उसको बनाएं, तो उसकी निचोड़ जो है ना वो कंटिन्यूस रहता है. फिर ऑफकोर्स यू नो द नेक्स्ट डे यू वांट आइदर वॉश दिस और यूज अ न्यू वन, राइट. सो ट्रिक्स. अच्छा भी यानी कि इसका जो निचोड़ है ना, बबल, वो आ चुका है. तो अब वेट करते हैं 1-2 सेकंड. देखें आहिस्ता आहिस्ता जो है सेटल होना शुरू हो गया है. तो अब हम निकाल लेते हैं चाय. चाय वाय हमारी हो चुकी है डन. अब हम कर रहे हैं एंजॉय सनसेट. बहुत खूबसूरत सनसेट है. लॉट्स ऑफ एक्टिविटी गोइंग ऑन ऑन स्ट्रीट्स. सेलिब्रेशन स्क्वायर पे भी आप देखें कि काफ़ी एक्टिविटी चल रही है बच्चा पार्टी की. सो ओवरऑल इट्स अ नाइस समर इवनिंग. एंड बस हम भी अब अपनी नाइट कंटिन्यू करेंगे, टीवी शी भी देखेंगे. और ये देखें भाई, मून भी आ गए हैं बाहर. मून्स कम आउट टू प्ले. तो मून साहब भी जो है बाहर आ चुके हैं. ठीक है भाई, चलें वापस चलते हैं. इस वक्त मिडनाइट होने वाली है, मतलब मिडनाइट होने में 15 मिनट है. और आप ये चेक करें, अभी तक यहाँ पे बच्चा पार्टी खेल कूद कर रही है, और यहाँ पे भी पार्टी हो रही है, और यहाँ पे भी बच्चे खेल कूद कर रहे हैं. भाई मैं बता रहा हूँ ना, जो आपके यानी जो यहाँ पे अब काफ़ी डिफरेंट टाइप की पॉपुलेशन आ गई है. इधर अरबी आ गए हैं, देसी बहुत सारे हैं, तो वो लाइट लेट तक जागने वाले लोग हैं. तो यहाँ पे अब आपको कल्चरल शिफ्ट नज़र आएगा काफ़ी, और हम भी उनमें से एक हैं. चलो इस ब्लॉग को उधर ही एंड करते हैं. उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा. लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को. एलेक्सा टर्न ऑफ लाइट. आज बात मान गई, साजिश नाकाम होगी तुम्हारी. अल्लाह हाफिज़.